गुड़ और चीनी दोनों ऐसी चीज है जो एक ही रॉ मटेरियल यानी कि शुगरकेन यूज करके बनाई जाती है। फिर भी ज्यादातर लोग कहते हैं कि चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल ज्यादा करें। तो ऐसा क्यों कहा जाता है जबकि दोनों चीजें एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं? उसकी वजह ये है कि गुड़ नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है जिसमें कोई केमिकल के यूज से प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। लेकिन हम जो क्रिस्टल क्लियर चीनी यूज करते हैं उस चीनी को क्रिस्टल बनाने में काफी केमिकल्स यूज करके प्रोसेसिंग की जाती है जिससे चीनी की सारी न्यूट्रिटिव चीजें प्रोसेस में खत्म हो जाती है। लेकिन गुड़ में कोई केमिकल प्रोसेसिंग ना होने की वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे हम सब रोटी खाते हैं जो गेहूं के आटे से बनता है, लेकिन यही आटा पूरी बनाने में भी यूज होता है। लेकिन हम रोटी को पूरी से ज्यादा हेल्दी मानते हैं, क्यों? क्योंकि रोटी बनाने में कम तेल यूज होता है और पूरी बनाने में तेल ज्यादा यूज किया जाता है और इसीलिए ज्यादातर लोग रोज के खाने में रोटी खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट होती है और कम ऑयली होने की वजह से फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। उसी तरह गुड़ और चीनी का है। गुड़ खाने से हेल्थ को फायदे होते हैं और चीनी खाने से डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। इसके सिवा गुड़ में फास्फोरस की क्वांटिटी बहुत होती है जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। फास्फोरस की क्यों जरूरत होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और उसके सिवा हम ये भी जानेंगे कि गुड़ का फर्क कैसे समझें। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले जानते हैं कि गुड़ खाने से कौन से फायदे होते हैं हमारे लिए और चीनी के बदले गुड़ क्यों खाना चाहिए। हमारे बॉडी में तीन दोष होते हैं, वत, पित्त और कफ। इन दोष को आयुर्वेदिक में त्रिदोष कहते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार इंसान की बॉडी में ये तीनों दोष हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। इनमें से कोई एक दोष ज्यादा हो गया तो इंसान को कई बीमारियां होती है। सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ये त्रिदोष बिगड़ने की वजह से होती है। ये तीन दोष में जब भी कफ बिगड़ता है उसकी वजह होती है कि बॉडी में फास्फोरस की कमी। ये फास्फोरस एक केमिकल है लेकिन बॉडी को इसकी जरूरत है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा गुड़ में फास्फोरस बहुत होता है, इसीलिए खांसी हो तब गुड़ खाना चाहिए जिससे फास्फोरस बढ़ेगा और खांसी ठीक होगी। अगर आप रोज थोड़ा गुड़ खाना शुरू करेंगे तो कफ की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी जिससे आपके बॉडी में फास्फोरस की क्वांटिटी बनी रहेगी और इस वजह से कफ होने की संभावना भी नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि गुड़ खाइए कौन सा। मार्केट में दो टाइप के गुड़ मिलते हैं, सफेद और ब्राउनिश कलर का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुड़ सिर्फ ब्राउनिश कलर में ही आता है, व्हाइट यानी कि सफेद कलर का गुड़ होता ही नहीं है। तो मार्केट में मिलने वाला सफेद गुड़ क्या है? आपको जान के हैरानी होगी कि सफेद गुड़ खाना एक जहर है क्योंकि गुड़ बन जाने के बाद वो नेचुरली ब्राउनिश दिखता है। लेकिन कुछ लोग उसमें डिटर्जेंट पाउडर की मिलावट करते हैं जिससे उसका कलर व्हाइट होता है। इसीलिए जब भी आप गुड़ खरीदते हैं मार्केट से तो इस बात का जरूर याद रखें, सफेद गुड़ खाने से कोई फायदे नहीं है, हेल्थ को उल्टा नुकसान ही है। सफेद गुड़ तो बिल्कुल ही खाना नहीं है, उससे अच्छा प्योर ब्राउनिश और थोड़ा येलो दिखता है वो गुड़ खाना चाहिए क्योंकि सिर्फ यही गुड़ शुगर केन जूस से बनाया जाता है। और शुगर केन तो सबने देखा होगा कि ग्रीन कलर का होता है, शुगर केन का जूस भी व्हाइट नहीं होता है। तो सोचिए गुड़ कैसे सफेद बन सकता है। और इसीलिए सफेद गुड़ कभी नहीं ले, ब्राउनिश कलर का गुड़ बेस्ट है हेल्थ के लिए। तो ये है गुड़ के फायदे। और इसके सिवा गुड़ खाने से जॉइंट्स का पेन भी ठीक होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।